हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियोस में आधारित खाद्य वर्क टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए थे। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आधारित खाद्य वर्क पार्ट 4। मुझे उम्मीद है ये सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लेने से आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आधारित खाद्य वर्क पार्ट 4, जिसको हम बेसिक फूड ग्रोथ भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 76, गर्भवती स्त्री को वसा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? गर्भवती स्त्री को 50 से 80 मिलीग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 77, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम फोलिनिक एसिड या फोलिक एसिड भी कहते हैं है। क्वेश्चन नंबर 78, फूल गोभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फूल गोभी में विटामिन K पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है? एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन नामक तत्व सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे अधिक विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन ए मछली के यकृत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन होती है? सोयाबीन में ग्लॉसिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? इसका उत्तर है लैक्टोब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 83, गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है? गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन होती है। इसका उत्तर होगा ग्लूटिन। क्वेश्चन नंबर 84, विटामिन ए का अवशोषण कहाँ होता है? विटामिन ए का अवशोषण छोटी आंत में होता है, तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 85, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 86, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? इसका उत्तर है मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा विटामिन जख्मों को जल्दी भरने में सहायक होता है? इसका उत्तर है विटामिन C। क्वेश्चन नंबर 88, दूध पिलाने वाली स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? दूध पिलाने वाली स्त्री को 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 89, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा कितने खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? इसका उत्तर है 11 खाद्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 90, भोजन पकाते समय क्या नष्ट हो जाता है? भोजन पकाते समय थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं, नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा अमीनो अम्ल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? इसका उत्तर है ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन नंबर 92, पांच खाद्य वर्ग में क्या क्या आते हैं? पांच खाद्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं दूध, फल व सब्जी, मांस, अनाज, वसायुक्त खाद्य वर्ग चीनी तथा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 93, कौन से विटामिन की कमी से यकृत में फोलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है? विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी से यकृत में फोलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 94, ट्रिप्टोफेन एक अमीनो अम्ल है जो कि किसमें बदला जा सकता है? ट्रिप्टोफेन को नियोसिन में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, सात खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं? सात खाद्य वर्ग हैं
खट्टे फल, हरी सब्जी, आलू व फल, दूध व पनीर, मांस तथा सूखे मटर, आटा और मक्खन। तो ये जो सारे हैं वो सादे खाद्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, टेटनी रोग किसकी कमी से होता है? टेटनी रोग विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में एवं छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 98, किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? मांसपेशियों के द्वारा शरीर की गति संभव होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 100, अचार में क्या मिलाया जाता है? अचार में ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाती है कि अचार जल्दी खराब नहीं होता? तो उसका उत्तर होगा सोडियम बेंजोएट। अचार में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।